Winning Smart India Hackathon is not just about final solution that you provide, but also about the process, teamwork, innovation, and how effectively you communicate your ideas and solutions. तो आइए स्वागत करते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पिछले संस्करण के विजेता अनंत वैश का. अनंत, स्वागत है आपका. धन्यवाद. सो अनंत, इस संस्करण में हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जीता, वो सबसे पहले तो बताइए कि क्या विषय था जिसपे आपने कार्य किया. सो जो विषय था वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, जिसमें हम लोग एक ऐसा सल्यूशन देना था ताकि जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, जैसे कि ब्लाइंड, डेफ, डिसलेक्सिया, सेरेब्रल पालिसी के जो छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको उनकी एजुकेशन के लिए कुछ कर सके, उनको उनकी एजुकेशन को डिजिटलाइज कर सके. अच्छा, तो ये सचमुच बहुत ही एक अहम विषय है जिसपे के ऊपर कार्य किया जाना बहुत आवश्यक है. सो सबसे पहले बताइए अपनी टीम के बारे में, आपने किस तरह की एक टीम संगठित की और आपकी टीम में कौन कौन लोग थे और कैसे ये बनी टीम? बिल्कुल बिल्कुल सर. सो मेरे हिसाब से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज मेरे हिसाब से दो ही होता है, वो होता है टीम को बनाना और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना. वो मेरे सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. तो जब मैंने टीम बनाई तो सबसे पहले मैंने जो हमारे जो कॉलेज की जो टीम थी उसमें अपने जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके साथ बैठ के मैंने डिस्कशंस किए कि कौन कौन टीम मेंबर्स होने चाहिए. तो फिर मैंने वहाँ आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से स्किल सेट उनके पास होने चाहिए, जैसे कि उनको टेक्निकल स्किल्स कौन से होने चाहिए, उनको ग्राफिकल स्किल्स कौन से होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स कौन कौन से होने चाहिए, ताकि हम एक अच्छी टीम बना सकें. तो जब मैं टीम बनाने बैठ रहा था तो मेरे मन में एक बहुत चीज़ क्लियर थी कि मेरी टीम में कम से कम 4 लोग ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 2 टेक्नोलॉजीज पे काम कर सके. एक ऐसा होना चाहिए जो कि ग्राफिक्स और थोड़ा सा मैनेजमेंट में अच्छा वर्क करना चाहिए, और एक कोई ऐसा होना चाहिए जो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होना चाहिए. तो वहाँ पे ही मैंने अपनी फैकल्टी मेंबर्स के साथ, अपने मेंटर के साथ बैठा, और वहाँ पे अपने कॉलेज में हम लोगों ने 2 एंड्रॉइड के, 2 वेब डिजाइनिंग के, 1 ग्राफिक के लिए एक लड़की को हम लोग ने चूज किया, और मैं एज अ लीडर मैंने अपने आप को एज अ कम्युनिकेशन के लिए चूज किया. अब ज्यादातर लोग यहाँ पे मेरे हिसाब से एक गलती ये करते हैं कि वो यहाँ पे एक गाइडलाइंस होती है कि आपको अपनी टीम में एक गर्ल कैंडिडेट को लेना मैंडेटरी है, और वहाँ पे ये सोचते हैं कि हम गर्ल को किस चीज के लिए वहाँ पे हम उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे. बट लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी गर्ल कैंडिडेट जो होती है वो सबसे अच्छा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा वर्क करती है, और मेरे हिसाब से वहाँ पे हम अपनी टीम को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं. तो यही सब एस्पेक्ट को यूज करके मैंने अपनी टीम बनाई. सो आपके हिसाब से जो आपने किया, सबसे पहले तो एक संतुलित टीम का होना, उसके बाद जो कार्य सौंपना है सही सदस्य को सही कार्य सौंपा जाए, ये आपकी स्ट्रैटेजी रही. तो दिस इज रियली अप्रिशिएबल, ये सही सोच है मेरे हिसाब से भी. सो अब अगले चरण पे आते हैं, जो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन की आपने बात की, तो प्रॉब्लम के ऊपर जब आपने काम करना शुरू किया तो वो किस तरह से काम करना शुरू किया, उसके पीछे क्या क्या रहा, रिसर्च या और भी जानकारी इकट्ठी करना, या और क्या सब था जो आपने प्रॉब्लम को लेके सोचा? जी सर. सो ये मेरे हिसाब से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ये मेरे हिसाब से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का सबसे कठिन फेज है मेरे हिसाब से, और इसी में जो स्टूडेंट्स हैं सबसे ज़्यादा कम वक्त देते हैं. मेरे हिसाब से जब मैंने अपनी टीम पूरी तरह से जब बना ली तो मैंने क्या किया, मैंने एक पेपर लिया और मैंने अपनी टीम के जितने जितने स्किल्स हैं उनको सबसे पहले नोट डाउन किया, ताकि जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज करने पे काम कर सके तो जो उनके स्किल सेट है उनके हिसाब से ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, ताकि हम बेस्ट रिजल्ट्स निकाल सकें. सो जब मैं अपनी अपने टीम बना रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे मेरे 2 कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे से एंड्रॉइड का नॉलेज है, 2 कैंडिडेट्स को बहुत अच्छी वेब का नॉलेज है. तो हमको वहाँ पे क्लियर हो गया था कि अगर हम एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो हम अपना बेस्ट से बेस्ट अपना हम सल्यूशन प्रोवाइड कर सकेंगे.
अब फिर जब लास्ट ईयर जब मैंने जब SIH हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो अराउंड 150 सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई थी, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। यहाँ पे लोग क्या, जनरली स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि अपने आप को बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, बट रैदर देन यहाँ पे ये देखना चाहिए कि उनकी जो टीम है वो स्किल्स के हिसाब से किस पे परफॉर्म सबसे बेस्ट कर सकती है। जो मैंने नोट डाउन किया था वहां पे फिर हम लोग ने एक बाय वन बाय वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट किया। जो 6 मेंबर्स थे हमारी टीम में उनको इक्वली मैंने सबके प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिवाइड कर दी। फिर मैंने उनसे कहा कि आपको अपने अपने डोमेन की बेस्ट 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को लेके आना है, फिर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। फिर उसके ऊपर वो सभी टीम मेंबर्स 60 प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके आए। फिर हमने उसमें से और डिस्कशन करना चालू किया, डीपली डिस्कशन किया कि इसमें हम क्या रिजल्ट बना सकते हैं, इसमें हम क्या क्या हम सल्यूशन बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सामने लेके आए, जिसको हमने अपने मेंटर अपनी फैकल्टी के सामने प्रेजेंट किया, और वहां से हमने आइडेंटिफाई किया कि हम स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए काम करेंगे। ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसके पीछे, इसको चूज करने का एक और बहुत बड़ा रीजन ये था, जो कि मेरा पर्सनल एक रीजन था कि आई एम ऑल्सो अ स्पेशली एबल्ड चाइल्ड। मैं बचपन से ही फिजिकली चैलेंज्ड हूँ, और मैं जिस स्कूल में जाता था वो भी एक स्पेशल किड्स का स्कूल था, और वहां मैंने देखा था कि जब मैं छोटा था तो मैं कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करता था, और जब मैंने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ी तो मुझे ये लगा कि ये तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है जो बचपन से मैं सॉल्व करना चाहता था, और आज मुझे वो मौका मिल रहा है कि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ अपने टेक्निकल स्किल्स का यूज करते हुए। सो वहां पे मैंने उसको उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज किया, और उसमें हमने काम किया और हम उसके विनर बने। तो आपने अपने जो निजी अनुभव थे उसका भी फायदा उठाया अपने सॉल्यूशंस को निकाल के लाने के लिए। ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई हमें। तो आपने एक और चीज़ का जिक्र किया कि आपने जो मेंटोर्स के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ वो भी काफ़ी लाभदायक था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि हम कितने इफ़ेक्टिव तरीके से इस मेंटोर कम्युनिटी को यूज़ कर सकते हैं अपने एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए या सॉल्यूशन लाने के लिए। बिल्कुल सर, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने अपने मेंटर के साथ कम्युनिकेट करना। जनरली बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि उनको लगता है कि वो इतने केपेबल हैं कि उनको किसी मेंटर की जरूरत है ही नहीं, या फिर वो क्या करते हैं किसी अपने फैकल्टी मेंबर को ही अपना मेंटर चूज कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि एज अ ऑन पेपर हो गया, लेकिन अब हम उनको ज्यादा उतना ज्यादा मेंटरशिप लेते नहीं है। बट यहाँ पे मेंटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे जो मेंटर थे उनका नाम था रोहित शर्मा सर, जो कि हमारे कॉलेज के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के HOD भी रह चुके थे, प्लस वो एक ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर भी थे उस टाइम पे। सो उनको जो सबसे ज्यादा जानकारी थी वो थी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, और हमारी जो एप्लीकेशन जो हम लोग ने डिसाइड करी थी उसमें जो जितना भी डेटा था, जितना भी होस्टिंग थी, और जितना भी हम लोग जो ऑप्टिमाइज तरीके से अपना सोल्यूशन दे रहे थे वो एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए दे रहे थे। प्लस जो हमारे सर थे वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी में मोर देन 7 ईयर्स से काम कर रहे थे, वो भी स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए ही काम करते थे, जिसमें वो लोग ने अलग अलग टाइप के उन लोग उन्होंने ट्राई साइकिल्स व्हील चेयर पे काम किया हुआ था। सो वहां पे जब मैं अपने मेंटर्स से डिस्कशन करता था कि सर यहाँ पे ऐसा हम सोल्यूशन सोच रहे हैं, यहाँ पे हम ऐसा फीचर सोच रहे हैं, डेफ बच्चों के लिए ऐसा सोच रहे हैं, सेरेबल पालिसी बच्चों के लिए हम ऐसा सोच रहे हैं, सो वो अपना पूरा अनुभव वहां पे देते थे, बताते थे कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहाँ पे किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, और उसको हम लोग फिर इम्प्लीमेंट करते थे। यहाँ पे सर मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करूंगा जो मेरे लिए एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग बनी, कि जब हम एक सल्यूशन बनाते हैं तो मेरे हिसाब से 3 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जब हम अपने सल्यूशन को डिजाइन कर रहे हो। फर्स्ट इज द यूजर एक्सपीरियंस सर। अगर जो हम सोच रहे हैं वो अगर इजी नहीं है हमारे, अगर हमारे जो हमारा एंड कंज्यूमर है उसके लिए, तो हमारा सल्यूशन को बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। सेकेंड थिंग होती है कॉस्ट। हमें अपना सोल्यूशन कॉस्ट ऑप्टिमाइज करके बेस्ट कम रिसोर्सेज में बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करना है। एंड थर्ड हमारा होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हमारी टीम की केपेबिलिटी। हमें अपनी टीम की जो जितने रिसोर्सेज है, जितना हमारे टीम जितने स्किल सेट है, उनको जितना हम यूज करके बेस्ट सोल्यूशन दे सकते हैं विद द ईज ऑफ द कस्टमर, वो हमको प्रोवाइड करना चाहिए, और वही हमारे मेंटर ने हमको हमेशा सिखाया है।
सो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं एंड आई विश के जितने भी व्यूअर्स हैं दे'ल टेक नोट ऑफ दिस और ये इसका बखूबी ध्यान रखेंगे जो अभी हमें बताया गया। सो आगे चलते हैं और थोड़ा बात करते हैं एक्चुअल इवेंट की। ये तो था इवेंट शुरू होने से पहले की आपकी पूरी तैयारी। तो जो इवेंट जब शुरू हो गया, मतलब आप उस दौर में चले गए जहाँ उस 36 घंटे में आपको अब चीज़ें करके दिखानी है, तो उस 36 घंटे के समय को आपने किस तरह से प्लान किया यूटिलाइज करने का? वॉज देयर अ स्ट्रेटेजी बिहाइंड दैट? सो सर, इसके ऊपर भी बहुत मेरा मेरी टीम के साथ बहुत डिस्कशंस हुए कि हम लोग वहां जाके क्या करेंगे मेंटर्स के साथ, प्लस हमने और भी कुछ अपने मेंटर्स अलॉट करे थे, उनसे भी हमने डिस्कशन किया कि कैसे क्या करेंगे। तो हम लोग एक स्ट्रैटेजी पे आए। स्ट्रैटेजी ये थी कि हम लोगों का एक एप्लीकेशन थी, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग जो उसका यूआई होता है, यूजर इंटरफेस होता है, उसको थोड़ा बहुत हम लोग क्रिएट करके जाएंगे, बहुत थोड़ा सा, बहुत हाई लेवल टाइप का उसको हम लोग क्रिएट करके जाएंगे, और वहां पे हम लोग यूआई में अपने अमेंडमेंट्स भी करेंगे, प्लस हम लोग उसमें बैकएंड जो कोडिंग होती है, जो उसका बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग होती है, वो भी वहां पे करेंगे। तो हम लोग को 36 आवर्स मिले थे, और 36 आवर्स के बीच में जब हम लोग को स्केड्यूल मिला, तो हम लोगों को पता चला कि उसके बीच में इवेल्युएशंस भी होंगे, जो कि इस बात से मैं और मेरी पूरी टीम जो थी, हम लोग अवेयर नहीं थे उस टाइम पे। तो फिर हम लोगों ने वहां पे लेकिन अपने आप को बहुत काम रखा, और हम लोग ने ये डिसाइड किया कि जो शुरू के जो 7 आवर्स हैं, उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने एप्लीकेशन को उसको अच्छा दिखाने पे फोकस करेंगे कि उसको हम क्या बेटर से बेटर बना सकते हैं। अब जैसे कि थोड़ा मैं अपनी एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो अब देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने क्या सोचा कि उनके जो चैप्टर्स होते हैं, हम उनको पॉडकास्ट की मदद से वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। सो वहां पे हमने सोचा कि पॉडकास्ट को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करें। अब यहाँ पे मेरा पर्सनल अनुभव, जो मेरा बचपन का अनुभव है, वहां पे यहाँ बहुत काम आया कि कैसे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि हमें यहाँ पे बच्चों को इमेजिनेशन, उनकी विजुअलाइजेशन पावर को मजबूत करने पे हमने काम किया। सो वहां पे मैंने अपनी टीम को बताया कि अगर आप उनको एक पर्सनलाइज्ड इफेक्ट दोगे तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। तो वहां पे हमने पॉडकास्ट को रिकॉर्ड किया, हमारे जो माइंड मैप्स थे जिसमें कि हम डेफ बच्चों को, डिसलेक्सिया बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, वहां पे हमने उस पर काम किया, और यू मतलब हम लोग ने फ्रंट एंड पार्ट पे 7 आवर्स पे काम किया। जब 7 आवर्स बीत गए और हमारा इवेल्युएशन 1 हुआ और हमने वहां पे उस चीज को प्रेजेंट किया, सो हमारे जो वहां पे जिन जो हमारे इवेल्युएटर्स थे, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा पसंद किया, और उन्होंने हमको कुछ पॉइंटर्स दिए कि आप इन इन पॉइंटर्स पे वापस से काम करो। फिर जो नेक्स्ट हमारे जो हम लोग ने 7 आवर्स थे, उसमें हम लोग ने बहुत ज्यादा फोकस किया अपनी बैकएंड कोडिंग को लेके, और उस टाइम पे हल्की सी रात भी हो गई थी और हमारी टीम को नींद भी आनी हल्की हल्की शुरू हो गई थी, लेकिन हम लोगों के मन में एक बहुत ज्यादा क्लियर था कि हम लोगों को ये कंपटीशन जीत के जाना है, और हम लोग बहुत ज्यादा चिल्ड थे, बहुत ज्यादा हम लोग रिलैक्स थे। हम अपनी बगल वाली टीम को देख रहे थे कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है और वो बहुत ज्यादा एकदम बहुत कोर कोडिंग में लगे हुए हैं, बट हम लोग, मैंने अपनी टीम में एक ये रखा था कि हम लोग हंसी मजाक करते रहेंगे, एकदम एंजॉय भी करेंगे, हम लोग बढ़िया चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और एकदम रिलैक्स मूड से हम लोगों ने काम किया। और हम लोगों ने बाय शिफ्ट डिवाइड करके रखा था कि 7 आवर्स काम करेंगे तो उसके बाद 2 आवर्स का ब्रेक आपके लिए होगा, 2 आवर्स ब्रेक आपके लिए होगा, फिर जब 7 आवर्स फिर से हो जाएंगे तो आप वापस से आओगे, फिर 2 लोग और आराम करने को जाएंगे। सो हम लोग ऐसा ऐसा थोड़ा डिवाइड करके रखा था ताकि पूरी टीम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो सके और हम लोग फुल फ्लेज्ड काम कर सके। फिर जब 14 आवर्स हो गए हमारे हमारे तो हम लोगों ने बैक एंड कोडिंग अपनी कंप्लीट करी और हम लोगों ने अपनी अपनी एप्लीकेशन को फिर से इवेल्युएशन के लिए भेजा, और उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को फिर से लाइक किया। फिर उन्होंने बताया कि अभी आपको वही क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा काम करना बाकी है, तो वहां हमारे मेंटर का जो हमारा सपोर्ट था वो बहुत ज्यादा काम आया, और उन्होंने हमको गाइड किया कि यहाँ पे आप ऐसे ऑप्टिमाइज करो, ऐसी चीजें करो, तो यहाँ पे आप अपने सोल्यूशन को और बेटर कर सकते हो, और हम लोग ने उस पर काम किया। और वहां से इंपॉर्टेंट फेज शुरू होता है प्रेजेंटेशन का। वहां पे हम लोगों ने जो हमारी जो एक टीम मेंबर थी जिसने जो ग्राफिक्स में मैं बहुत ज्यादा अच्छी थी। अनंत, मैं एक सेकंड यहाँ यस रोकूंगा। प्रेजेंटेशन पे हम थोड़ा बाद में आएंगे, अभी वो जो आपकी 36 घंटे की जो प्लानिंग है उस पे रहते हैं, क्योंकि जो मैं सुन पा रहा हूँ जो आप बता रहे हैं, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपने उन 36 घंटों को प्लान किया था। इसमें एक इनपुट आपसे और चाहूँगा कि
कि इस प्लानिंग के दौरान जिस तरह से भी आपने बता रहे थे सिलसिलेवार तरीके से आप काम कर रहे थे, जो जजेस राउंड होते हैं, जो इवेल्यूएशन राउंड होते हैं, उसमें कितने इफेक्टिव थे वो आपके लिए, या वो जो राउंड्स थे उसका कितना फ़ायदा आप उठा पाए, और किस तरह से उन राउंड्स ने आपके काम को इफेक्ट किया, पहले ज़रा सा ये बताइए। बहुत इम्पॉर्टेंट थे इवैल्यूएशन, जो एक फेज होता है बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट था। सो मेरे टाइम पे जो इवैल्यूएशन हुआ था वो 4 टाइम्स हुआ था, दो बार Day 1 पे, दो बार Day 2 पे। जो हमारा Day 1 पे दो इवैल्यूएशन हुए थे, उन्होंने हमारे हमारे जो प्रोडक्ट है उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने में मदद किया। प्लस एक चीज होती है जो मेरे हिसाब से जितने भी लीडर्स इस कॉन्वर्जेशन को सुन रहे हैं, उनके एक मन में हमेशा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इम्प्रोवाइजेशन करने की। कि अगर आप, ठीक है, आप प्लानिंग करके जा रहे हो, आप सब चीजें डिस्कस करके जा रहे हो, वो ठीक है, बट एज अ लीडर आपका एक काम होता है आप अपने प्रोडक्ट को कितना बेस्ट इम्प्रोवाइज कर सकते हो। उस टाइम पे क्या हुआ था सर, कि जब 14 आवर्स निकल चुके थे, तब मेरे को उस टाइम पे मेरे को एक आइडिया आया कि हम स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं, बट हम ऐसा अभी तक अपने प्रोडक्ट में कुछ नहीं कर पाए हैं जिसमें हम उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। सो मेरे मन में उस टाइम पे इम्प्रोवाइजेशन का ये आइडिया आया, और मैंने तुरंत अपने टीम को ये बताया। हालांकि टीम उस टाइम पे मेरे पे गुस्सा हुई कि सर आप लास्ट मोमेंट पे ऐसी आइडिया बता रहे हो जिसमें कि हमको थोड़ा अपने यूजर एक्सपीरियंस को भी चेंज करना पड़ेगा, अपने UI को भी चेंज करना पड़ेगा, अपनी बैकएंड कोडिंग को भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, हम ये एक पॉइंट भूल रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन था कि थर्ड इवेल्युएशन में मुझे अंदर से ये फील होने लगा था कि मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा। तो मैंने अपनी टीम को बताया, और उस टाइम पे थर्ड इवेल्युएशन को 5 आवर्स बचे हुए थे। सो मैंने अपनी टीम को तुरंत बताया कि नहीं, हमें इस चीज पे काम करना है। और हालांकि मेरी टीम गुस्सा करी, लेकिन तब भी मैंने उनको उनको मोटिवेट किया, उनको कहा कि नहीं, हमको ये चीज करनी है, और हमने उस चीज को बखूबी किया। और सच हुआ कि थर्ड एवेल्युएशन में हमसे ये सवाल पूछा गया कि वॉट आर यू डूइंग फॉर द ट्रैकिंग ऑफ द चाइल्ड। सो हमने अपना वहां पे मॉडल प्रेजेंट किया और उनको बताया कि हमने अपनी आइडिया को आपके सेकेंड इवेल्युएशन में आके इसको इम्प्रोवाइज किया। सो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि हम जो उनका इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है उनको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और जो उन्होंने बताया हम उसको बहुत ध्यान से लिसन करके इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि इवेल्युएशन प्रोसेस में आपको भले ही इवेल्युएटर कुछ भी बताए, आप उसको अच्छे से लिसन करिए, और आप भी इवेल्युएटर से सवाल पूछिए। वो बीच बीच में खुद भी आते हैं मेंटर करने, सो हमको उस चीज का बहुत अच्छे से हम फायदा उठा सकते हैं, जो कि जनरली मैं अपने बगल वाली टीम्स को देख रहा था वो नहीं उठा रहे थे। मेरी और मेरी टीम ने उस चीज को बहुत अच्छे से करा और हम उसको आगे लेके गए। सो सो ये जो 36 सर घंटे ये थे था। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने यूटिलाइज किए, न सिर्फ वो 36 घंटे का विंडो बल्कि इवेल्यूएशन का जो एक विंडो होता है उसको भी। सो दैट्स ग्रेट यार। सो अभी आते हैं हम फाइनल प्रेजेंटेशन पे, तो उसको आपने कैसे क्रैक किया, क्या आपके हिसाब से सही अप्रोच थी या तरीका था उस प्रेजेंटेशन को देने का, बिकॉज दैट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। वैसे तो जो प्रेजेंटेशन होती है वो फर्स्ट इवैल्यूएशन भी मेरी हुई थी और लास्ट इवैल्यूएशन में भी हुई थी। हमारे इवैल्यूएटर ने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि मैं तुम्हारा प्रेजेंटेशन फर्स्ट बार में सुनूंगा, और लास्ट वाले में मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जितना मैंने तुमको टिप्स दिए हैं वो सब तुम इंक्लूड करो लास्ट वाले में। और उन्होंने बीच में बिल्कुल हमारी प्रेजेंटेशन नहीं सुनी थी, वो सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को सुनने आए थे। तो जो हमारी लास्ट प्रेजेंटेशन थी वहां पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेशन, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जनरली ये गलती ये कर देते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि वो टेक्निकल स्किल्स पे इतना ज्यादा घुस जाएंगे कि उनके प्रोडक्ट से वो जीत जाएंगे। बट मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, अगर आप अपने प्रोडक्ट को अगर आप समझा नहीं पा रहे हो तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। और जब आपका थर्ड इवेल्युएशन हो जाता है तो आपका 70% जो होता है वो आपका कम्युनिकेशन काम आता है, 30% मेरे अकॉर्डिंग काम आता है सिर्फ प्रोडक्ट, क्योंकि वो 3 प्रोसेस से आपका प्रोडक्ट सुन के आ चुके होते हैं। वो अब समझ रहे होते हैं कि आपने एग्जैक्टली जो 36 आवर्स हुए हैं उसमें आपने कितना आपने ध्यान से समझा है प्रोडक्ट को, कितना आपने टिप्स को इंक्लूड किया है, कितना आपने सच में उसको इंप्लीमेंट किया है, वो यहाँ पे ये समझते हैं।
तो जब हमने अपनी प्रेजेंटेशन को बनाना वहां पे स्टार्ट किया था, तो हमारा बहुत सिंपल सा एक था कि हम सिर्फ और सिर्फ 5 पेजेस की अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। हमने जो अपने अपने जो हेडर्स चुने थे वो प्रॉब्लम स्लाइड चुनी थी, सॉल्यूशन स्लाइड चुनी थी, एक प्रोसेस का फ्लो चार्ट हमने बनाया था कि जब एक एक जो चाइल्ड है वो जब सबसे पहले जब अपनी एप्लीकेशन है वो उसको यूज करेगा तो उसके कौन कौन से चेक पॉइंट्स होंगे, जैसे कि लॉग इन पेज, फिर उसके बाद होम पेज आएगा और उसमें उसको क्या क्या ऑप्शन दिखेंगे। तो उसका हमने बहुत क्लियरली और एक बहुत सुंदर सा फ्लो चार्ट बनाया था, और मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन को बनाने के टाइम उसका 50% वेटेज होता है। आपको वो जो आपके जो इवेल्युएटर है वो प्रॉब्लम और सोल्यूशन स्लाइड को सुनते हैं, बट जब वो विजुअल प्रेजेंटेशन अपने प्रोसेस फ्लो चार्ट को देखते हैं तो उनको बहुत क्लैरिटी से समझ में आता है। सो वहां पे हमने प्रोसेस फ्लो चार्ट को बहुत ध्यान से उस पर काम किया। और जो हमारी जो फोर्थ स्लाइड थी, सॉरी फोर्थ स्लाइड पे हमने वेब जो हमने अपना वेब इंटरफेस बनाया था, अपने जो स्क्रीनशॉट्स थे उनको इंक्लूड किया कि जो प्रोसेस फ्लो चार्ट है उसको हम कैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और जो हमारी फिफ्थ स्लाइड थी इट वाज अ थैंक यू स्लाइड। सो हमारी मेन जो थी वो फोर्थ स्लाइड थी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोसेस फ्लो चार्ट एंड स्क्रीनशॉट, दैट्स इट। और हमने अपनी बहुत सिस्टमैटिकली हमें तरीके से इसको प्लान किया था कि कौन इसको प्रेजेंट करेगा, कौन इसके क्वेश्चंस के आंसर करेगा। अगर मान लीजिए कि प्रॉब्लम के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कौन इसको टैकल करेगा, ताकि क्योंकि जो इवैल्यूएटर होता है वो ये देखता है कि टीम का इसमें कितना इसमें इन्वॉल्व हो रही है। अगर वहां पे वो ये देखेगा कि सिर्फ लीडर जवाब दे रहा है, आपको इवैल्यूएटर रोक देगा, वो कहेगा कि और लोग आंसर करें, और जब और लोग उसके लिए रेडी नहीं होंगे तो वहां पे आप फंबल करोगे और वहां पे आपकी ये मिस्टेक हो जाएगी। तो एज अ लीडर आपको ये काम करना है कि जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं आपको उनको ट्रेन करना है हर एक डोमेन के लिए थोड़ा थोड़ा, और एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए। जैसे कि टेक्निकल आते तो मैं अपने टेक्निकल जो मेरे जो मेन हमारे दो लोग थे उनको मैं पकड़ा देता था। यूजर एक्सपीरियंस में जैसे ही कोई बात आती थी मैं अपनी जो गर्ल हमारी कैंडिडेट थी उसको पकड़ा देता। अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बात होती तो मैं उसको टैकल करता था, और कोई भी अलग और जी चीजों की बात होती तो उनके लिए हमने अलग स्पेसिफाई करता था। सो हमने ऐसे अपनी टीम को डिवाइड किया क्वेश्चंस के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और हमने उसको 5 to 6 मिनट प्रेजेंट किया और क्वेश्चंस के आंसर उसके बाद दिए। सो वंडरफुल वैश, आपका जो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है कानों में एक संगीत की तरह लग रहा है, क्योंकि आप थ्रू आउट बहुत सिस्टमेटिक रहे हैं, चाहे वो टीम फॉर्मेशन हो, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो, या प्री प्लानिंग हो, उस 36 घंटे को कैसे प्लान करना है, इवेल्यूएटर्स को कैसे यूज़ करना है, प्रेजेंटेशन किस तरह से की जानी है। आई थिंक इट्स बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल, और जो आपका तरीका था आई एम श्योर आप पूरी तरह से हकदार थे उस जीत के लिए जो आपको मिली। एंड आई होप कि लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके जो जितने भी आपके बताए हुए तरीके हैं उनको टिप्स मानकर उन चीज़ों को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे अपने खुद के काम में, जब वो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करें, किसी भी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करें। सो आई वुड से बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, और आशा करता हूँ कि सब लोग बहुत लाभान्वित होंगे आपके इन विचारों से, आपके इस अनुभव से, और आपको याद करेंगे जब आपके इस कॉन्ट्रीब्यूशन से वो कुछ जीत हासिल करेंगे अपने किसी कॉम्पिटिशन के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अनंत, और बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के किसी भी कार्य के लिए जो आप करना चाहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच AICT, थैंक यू सो मच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये थे अनंत वैश, आपने देखा कितने सूझबूझ भरे तरीके से इन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को हैंडल किया, प्लान किया और अंत में जीता। सो आई होप आप भी इनको इनके दिए हुए कुछ सुझावों को फॉलो करेंगे और अगले स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के विजेता आप बनेंगे। धन्यवाद।